भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला फिरोजशाह कोटला के मैदान में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरोन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने अच्छी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाए थे। सबसे पहले तो रविंद्र जडेजा ने एरोन फिंच को आउट किया। उसके बाद जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का भी विकेट ले लिया। आपको बता दें कि 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर ख्वाजा ने एक रन लेकर अपना शतक पूरा किया था, लेकिन 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर भुवी ने उस्मान ख्वाजा को कप्तान कोहली के हाथों कैच करा दिया और उस्मान ख्वाजा 100 रन बनाकर आउट हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी यही हुआ और 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल भी कोहली के हाथों अपना कैच आउट करा बैठे और ऑस्ट्रेलिया को ये तीसरा बड़ा झटका लगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये दोनों ही कैच विराट कोहली ने लिए हैं। उसके बाद हैंड्सकॉम का भी यही हाल हुआ। पीटर हैंड्सकॉम भी शमी की बॉल पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया टीम को झटके पे झटके दिए और लगातार 3 विकेट झटक लिए। इस खबर पर आप भी अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।